फैमिली को हम कैसे हैं आप सब, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में रखे। आज है थर्सडे का दिन और आज हम अल्हम्दुलिल्लाह जा रहे हैं यम्बो से मक्का उमरे के लिए, उमरे की अदायगी के लिए। और इस समय मौजूद हूँ यम्बो से मक्का की जो मिकात है, जोफा मिकात, वहाँ पर ये देख सकते हैं हम माशाल्लाह, ये मेरे सामने जो मस्जिद है ये जोफा की मिकात की मस्जिद है। और यहाँ से हमने जो है एहराम की नियत कर ली है, एहराम पहन लिया है, उम्रे की नियत कर ली है। और यहाँ से हम पर जो है वो जो एहराम की जो पाबंदियाँ हैं वो लागू हो जाती हैं कि जैसे हम बाल नहीं काट सकते हैं, नाखून नहीं तराश सकते हैं, खुशबू वगैरह नहीं लगा सकते हैं और कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते हैं जो मतलब हम मतलब एहराम की पाबंदियों में आता है। तो यहाँ से हम जाएंगे इंशाल्लाह उम्रे के लिए। तो ये जो मिकात है ये यम्बो से तकरीबन 180 किलोमीटर दूर है राबी के मकाम पे, और इससे आगे तकरीबन 178-180 किलोमीटर जो मक्का है, ये जो मिकात है ये सीरिया, सूडान या तुर्की या लेकिन नॉर्थ अमेरिका से आने वाले लोगों के लिए मिकात है। वो यहीं से एहराम पहनते हैं और आगे फिर मक्का जाते हैं उम्रे के लिए। तो हम भी यहाँ से जाएंगे मक्का और यहाँ से हम पढ़ेंगे तलबी 3 मरतबा, लबैक अल्लाहुम्मा लबैक, लबैक ला शरीक लक, लबैक इन्नल हम्द वन्नामत अलक वल मुल्क ला शरीक लक। तो ये 3 मरतबा हम पढ़ेंगे और यहाँ से हमारा उम्रा इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगा। कुछ देर में हम मक्का पहुँच जाएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा, हमें देखते रहिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन। Oh Allah, Lord of East and the Lord of the West. Oh Allah, Ya Rabbi, Ya Allah. And the herbs and the trees do prostrate to Him, and the heaven He raised it high, and He made the balance that you may not be inordinate in respect of measure, and the earth He has set it for living creatures. Oh Allah, Lord of East and the Lord of the West. Oh Allah, Ya Rabbi, Ya Allah. Therein is fruit and palms and shaded clusters, the grain with its husk and fragrance. He has made the two seas to flow freely so that they meet to. देख सकते हैं आप मेरे सामने किंग फहद गेट है, यहाँ से हम अंदर जाएंगे और इंशाल्लाह 2 वीक्स के बाद मैं खाना कावा देखूँगी। और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे इधर दोबारा बुलाया, अल्लाह ताला मेरा आना कबूल फरमाए, मेरा उम्रा कबूल फरमाए, मेरी दुआओं को कबूल फरमाए और अल्लाह ताला सबको ये ज़ियारत नसीब फरमाए। मुश्किल चीज़ था मक्का को छोड़ के जाना, तो मुझे अभी भी यूँ लग रहा है कि लिटरली मैं थोड़े से दिन के लिए यम्बो गई थी और मैं वापस घर आ गई। तो अपना घर देख कर लिटरली मुझे ना पहले तो रोना आ रहा था, ये मुझे ना ये सोच के जब मुझे आया कि मैंने वापस से ले जाना है यहाँ से कल को, तो हम बस चलते हैं और फिर शुरू करते हैं। ये देखिए जी माशाल्लाह, ये वो जगह है जहाँ की रौनकें हमेशा ऐसे ही रहती हैं, अल्लाह ताला इन रौनकों को कायम आबाद रखे हमेशा। और देख सकते हैं माशाल्लाह आप कितना रश है सहन में भी, और इब्राहिम खलील रोड पे भी काफ़ी रश था। तो माशाल्लाह अल्लाह ताला सबकी इबादतों को, सबकी दुआओं को कबूल फरमाए। मैं भी बस वेट कर रही हूँ, मेरे हस्बैंड आए नहीं है जहाँ पे उन्होंने मुझे कहा था आने को, तो बस मैं वहाँ पे खड़ी हूँ, अभी वेट कर रही हूँ, वो आता है तो फिर हम सीधा वहाँ से अंदर जाते हैं। भिकारी बन के आया हूँ, सरापा फाक्र हूँ, इज्जो नदामत साथ लाया हूँ। इस टाइम मैं मताफ में मौजूद हूँ और माशाल्लाह इधर रश देख सकते हैं,
तो ये जो सामने आपको बाउंड्री नजर आ रही है, ये जो है पाकिस्तान का निगरान वजीर आजम आया हुआ है, उसके उसमें लगवाई है। वो पहले खाना कबा के अंदर गया और पता नहीं वहाँ पे कह रहे हैं कि नफल अदा कर रहा है। तो ये उस वजह से, ये जो आपको सामने ये वाली बाउंड्री लगाई हुई है दरवाजे के सामने खाना कबा के, तो ये उस वजह से लगाई हुई। और इस टाइम यहाँ पर मताफ में बहुत बहुत ज़्यादा रश है। अमूमन यहाँ तक मतलब नॉर्मल रूटीन में नहीं होता, लेकिन आज ये यहाँ तक आया हुआ जो उन्होंने ये जो उन्होंने बाउंड्री लगाई हुई है। तो अभी हम बस ये ग्रीन लाइट के पास खड़े हैं और यहाँ से हमने अपना तवाफ शुरू करना है और बस तवाफ शुरू करते हैं हम। और बस और ये कुछ रश जो है, एक तो वीकेंड है उस वजह से कुछ शायद रबी अव्वल स्टार्ट हो गया हुआ है, 12 रबी अव्वल, 13 रबी अव्वल है, आज तो 14 हो गई है खैर यहाँ पे, तो शायद इस वजह से रश है यहाँ पे। लेकिन बहुत ज़्यादा रश है, आप देख सकते हैं हम। वज़ीर आज़म के आने की वजह से यहाँ पर आज जो है वो सिक्योरिटी भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है यहाँ पे। ये देखें, ये तो मतलब अमूमन इतनी नहीं होती है, लेकिन आज आप जिधर भी देख रहे हैं उधर जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस खड़ी है सारी। खाना कबा के दिगर्द आप देख सकते हैं कि इन्होंने ये कोई बैरियर सा बाउंड्री सी लगाई हुई है हर जैसमद और दरवाजे के सामने खाना कबा के, और उसके बाद ये देखिए सिक्योरिटी कितनी ज़्यादा खड़ी है। ये सारे खाना कबा के गिर सर्कल बना के खड़े हैं और हाथ पकड़ के, और ये अंदर नहीं जाने दे रहे, इसे इधर इधर ही जो है वो तवाफ कर रहे हैं लोग। और इस वजह से जो है वो पीछे काफ़ी रश हुआ हुआ है, तो हमने इनसे पूछा है लेकिन कोई बता नहीं रहे कि कौन कौन आ रहा कौन नहीं आ रहा। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि एक इनका कोई शेख है व्हील चेयर पर, वो भी खाना कबा के अंदर गया है और निगरान वज़ीर आज़म आ रहा है। निगरान वज़ीर आज़म आ रहा पाकिस्तान के का इस वजह से, इसलिए इधर सिक्योरिटी बहुत है। और इनका कोई शेख भी आया, पता नहीं, आई थिंक वो जिसके पास खाना कबा के दरवाजे की चाबियां हैं वो वाला इनका शेख आया, क्योंकि वो व्हील चेयर पर था। और अब आप ये देख सकते हैं कि सामान वगैरह, एसी और कुर्सियाँ और सफाई का सामान अंदर जा रहा है, तो अंदर पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, लेकिन इधर काफ़ी रश है। और हमारा जो तवाफ़ है वो रश की वजह से इस टाइम यहाँ पर रुक गया था। ये देखिए यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो अंदर लेके जा रहे हैं, तो पता नहीं क्या हो रहा है। सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान का निगरान वज़ीर आज़म भी आया है और सऊदी का कोई रशीदा भी आया है। फला आलम कौन आया कौन नहीं आया, लेकिन यहाँ पे सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है, उनसे पूछने की हमने कोशिश की, लेकिन उन्होंने हमें ना आगे तब मिले, मतलब जाओ जाओ आगे जाओ कह दिया, किसी ने कहा कि हमें नहीं पता कौन है। मेरे भी जो सिक्योरिटी रीजन वो हम लोगों को नहीं बता रहे हैं, तो वो भी थोड़े देर पता लग जाएगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगी, अगर नहीं पता लगा तो वैसे ही सही, ऐसे हमें नहीं पता, वैसे आपको भी नहीं पता। तवाफ हमारा अलहम्दुलिल्लाह हो गया है और इस टाइम हम जा रहे हैं सही करने, जो तवाफ के बाद के नफल होते हैं वो भी हमने पढ़ लिए है। और इस टाइम मताफ में बैठे हूँ लेकिन हम सही के लिए जा रहे हैं, और जो भी आया हुआ था वो चला गया। ये देखें जो सारी फोर्सेज हैं, सिक्योरिटी है, वो वापस जा रही है, काफ़ी यहाँ पे सिक्योरिटी थी तो ये आप देख सकते हैं। इस साइड से हमें सही करने आना था, उस साइड भी काफ़ी रश था और उधर वो पुलिस वाले रोक रहे थे, तो हम पीछे होके दूसरी साइड से सही के लिए आए हैं। तो यहाँ पे आके पता लगा कि जी जनाब निगरान वज़ीर आज़म साहब हैं उनकी सही हो रही है। तो इधर भी फोर्सेज आप देख सकते हैं दरमियान में वो और साइड पर फोर्सेज है, रश काफ़ी अभी तो फिलहाल थोड़ा है, रश थोड़ा है यहाँ पर। तो हमने सोचा कि हम यहीं पर जो है वो अपनी सही शुरू कर लेते हैं। तो ये लोग तो देखें जिस अंदर भी नहीं जाने दे रहे, किसी को सिक्योरिटी बाहर बाहर सारे कर रहे हैं। ये जो सही है वो हम हजरत हाजरा की याद में करते हैं, उनका ये अमल अल्लाह ताला को इतना पसंद आया कि उन्होंने हज और उम्रे में अल्लाह ताला ने ये जो है ये लाजिम और मलजूम करार दे दिया, इसके बगैर आपका हज और उम्रा मुकम्मल नहीं होता। और ये जहाँ पे ग्रीन लाइट्स हैं यहाँ पे जो है वो भागते हैं कि हजरत हाजरा की याद में, कि हजरत हाजरा भी पानी की तलाश में इस एरिया में जो थी वो भागी थी। तो उसी सुन्नत को जिंदा करने के लिए जो मुसलमान मर्द हैं वो भी यहाँ पर भागते हैं, और जो औरतें हैं वो सुन्नत पूरा करके यहाँ पर चलती हैं। तो ये आप देख रहे हैं ये सही के मनाजिर है इस टाइम, और इस टाइम आप सुपर मरवा के दरमियान लोगों का रश देख सकते हैं। वरना तो हम मोस्टली ऊपर जाते हैं क्योंकि नीचे रश काफ़ी होता है, लेकिन आज जब हम आए तो रश थोड़ा था, तो हमने सोचा कि चलो यहीं नीचे कर लेते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर भी रश काफ़ी हो गया। और आप जिधर तक देख सकते हैं सर सर नज़र आ रहे हैं, काफ़ी रश हो गया, तो इधर नीचे की जगह नहीं है, बहुत मुश्किल हो गई जगह चल रहे हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता हम सही हमने अल्हम्दुलिल्लाह कर लिया, हमारा हमारा कम्प्लीट हो गया। अब हमने सिर्फ बाल कटवाने हैं जो कि वाजिब हैं। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड शॉप देखते हैं जहाँ से बाल कटवाने हैं, और बाहर माशाल्लाह सहन में भी रश देख सकते हैं लोगों को कितना है, हर तरफ रौनक ही रौनक है, लोग ही लोग हैं। तो ये वो जगह जैसे कि मैंने पहले बताया जिसकी रौनक कभी भी ख़त्म नहीं होती है, ये हमेशा ऐसे ही रहती है।
बाल भी हमने कटवा लिए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे होता है हमारा उम्रा कंप्लीट। अल्लाह ताला कबूल फरमाए हमारे उम्रे को भी और हमारी दुआओं को भी और हमारा आना भी अल्लाह ताला कबूल फरमाए। तो यहीं पे करते हैं वीडियो को ख़त्म। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो लाइक कर दें और वीडियो को शेयर भी कर दें। तो हमें दें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।